जो सच है मैं वो ये कहता हूँ, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की श्रृंखला में मुझसे वरिष्ठ हैं। उपाध्यक्ष पहले होता है, महामंत्री बाद में होता है। मैं किसी चुनाव प्रचार में मंच पर गया हूँ क्या? मैं तो पिछले 3 महीने से राजस्थान में घूम रहा हूँ। आपने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप किसी मंच पर जाकर के भाजपा के समर्थन में भाषण क्यों नहीं कर? राहुल गांधी ने मैसेज दिया है कि इस देश के राजपूत समाज ने, इस देश के राजाओं महाराजाओं अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों से पैसा लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा लेकर के, या उनके डर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। इससे घटिया, इससे नीचतापूर्ण, इससे अपमानजनक और इससे मूर्खतापूर्ण मैंने अपनी जिंदगी में किसी राष्ट्रीय नेता की आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं सुनी। राजपूत समाज, छत्री समाज, राजा महाराजा इस देश के मान सम्मान और गौरव के प्रतीक रहे। आज जिस भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात हम करते हैं, उसको बना रखने में, उसका संरक्षण करने में, उसका संवर्धन करने में देश के क्षत्रिय और राजपूत समाज की, राजाओं महाराजाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। आज जो अखंड भारत हम देख रहे हैं, उस भारत को अखंड बनाए रखने में इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही। हम अपने बचपन से पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उन्हें जितना इंतजार डाला गया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। हमने अपने गोरखपुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाई हुई है। घास की रोटी खाकर जिस व्यक्ति ने आत्मसमर्पण नहीं किया, मुगलों के सामने मजबूती से डटे रहे और उनके जीवित रहते हुए कभी भी कब्जा नहीं कर पाए उनके सिंहासन पर, हमने ऐसे क्षत्रिय और राजपूत समाज को अपना आदर्श बनाया है। रहे होंगे एकाध तो राजपूत समाज के लोग जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की होगी, उंगली पर रहे होंगे, गिनती में नहीं रहे होंगे। और आज इस व्यक्ति ने अपने आलेख के माध्यम से इस देश के संपूर्ण क्षत्रिय राजपूत और राजा महाराजा साम्राज्य को इस प्रकार से अपमानित किया, और मुझे आश्चर्य है कि राजस्थान में अभी लोग इसको जान नहीं रहे। आपका भी सवाल पूरा नहीं था, यानी आप भी नहीं जान रहे। राजस्थान की भूमि पर मैं खड़ा हूँ, राजस्थान के साहित्य सभ्यता के लिए, राजस्थान के अस्मिता के लिए, राजस्थान की संस्कृति के लिए किसी राष्ट्रीय नेता का इतना अपमानजनक आचरण और इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, यह कतई स्वीकार्य योग्य नहीं है। और इसलिए मैं हूं राहुल गांधी को बहुत स्पष्ट सलाह दे रहा हूं, अभी भी समय है, अपनी इन मूर्खतापूर्ण बातों को वापस लें और संपूर्ण क्षत्रिय समाज से, पूरे देश के क्षत्रिय समाज से माफी मांगने का काम करें, अन्यथा संभवतः आने वाले समय में उनको बहुत प्रचंड विरोध झेलना पड़ेगा। प्रभारी जी, तीसरा चुनाव है, विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, आप हर बार ये कहते हैं राष्ट्रीय नेता है वो आ जाएंगी, आती नहीं? नहीं, मैं हर बार ये नहीं कहता हूँ, जो सच है मैं वो ये कहता हूँ, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की श्रृंखला में मुझसे वरिष्ठ हैं। उपाध्यक्ष पहले होता है, महामंत्री बाद में होता है। मैं किसी चुनाव प्रचार में मंच पर गया हूँ क्या? मैं तो पिछले 3 महीने से राजस्थान में घूम रहा हूँ। आपने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप किसी मंच पर जाकर के भाजपा के समर्थन में भाषण क्यों नहीं कर रहे? एक भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, उपचुनाव को हम लोग हमेशा स्थानीय चुनाव मानते हैं और स्थानीय नेताओं के माध्यम से उसको लड़ने का काम करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं।
अप्रत्यक्ष रूप से अगर प्रत्याशी का चयन हो उसमें भी किस क्षेत्र में किसको लगाना है और किसकी मजबूती काम आने वाली है उसमें भी, और चुनाव को जीतने की क्या रणनीति बनाई जानी है उसमें भी हम अपने राष्ट्रीय नेताओं की राय लेते हैं और उनके निर्देश पर काम करते हैं। हमने वसुंधरा जी की भी राय ली है और हम उनके निर्देश पर भी काम कर रहे हैं। मैं तो किसी भी सीट पर, और सच क्या है, मैं तो नहीं, आप भी अगर निष्पक्ष मूल्यांकन अपने अपने मन में कर रहे होंगे, आप कह नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ। वो क्या प्रचार, सातों सीटों में आप कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी को प्रभावी रूप से काम करते हुए, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता स्थापित करते हुए, उसके अलावा आप किसी को पाएंगे नहीं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है, साथ में एक सीट भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है, ये तो तय है। और हम ऐतिहासिक रूप से इस बाई इलेक्शन को 7-0 के रिकॉर्ड से जीतने जा रहे हैं। आदिवासी सीटों पर मैं नाम लेके दे सकता हूँ, जिस एक सीट के आप नाम नहीं दे रहे हैं, हम वहाँ भी जीत रहे हैं। मैं वहाँ स्वयं गया, मैं 84 की बात कर रहा हूँ, एक एक मंडल की मैंने बैठक किया है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ और वहाँ के नागरिकों के साथ बैठक किया है। अब वहाँ की भी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। कुछ भील समाज के लोग इस बात को लेकर अपने सांसद से बहुत नाराज हैं कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने संपूर्ण आदिवासी समाज को राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी घोषित करने का प्रयास किया, यह बताने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज हिंदू समाज है ही नहीं, और इसके नाते संपूर्ण समाज में बहुत आक्रोश है। और उस आक्रोश को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, हम बहुत अच्छी मार्जिन से 84 का चुनाव भी जीतेंगे। सचिन कांग्रेस एक व्यक्ति ही नाव है, अब कांग्रेस की नाव उभरने वाली नहीं, तो कोई भी चतुर नाविक जब जान जाता है कि नाव डूब ही जाएगी तो क्यों चढ़ करके उसको पतवार उठा करके इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करे कि वो नाव बचा नहीं सका। आज ये जो जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं उन्हें नाम नहीं दूंगा। आग लगी है राजस्थान में, चुनाव हो रहा है राजस्थान में, और भागे फिर रहे हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में। अरे भैया, अपने घर का चुनाव तो जीत लो, तो यहाँ पतवार संभालने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ चुका है 18 से लेकर 23 तक इन 5 सालों में जितना शासन और जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, अब जनता उनको इसके लिए माफ नहीं करने वाली, और इनमें से कोई भी नेता इस चुनाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार भी नहीं। वैसे तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव आयोग उसमें जो 1 साल सरकार का पूरा हो रहा है उसमें उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन है। अब वो चुनाव लड़ते हैं तो बस की यात्रा फ्री करेंगे, बिजली 300 फ्री देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपया देंगे, बेरोजगारों को 3,000 रुपया देंगे, वो जितना चाहे टोल टम बांट देंगे, और वो चुनाव का उल्लंघन नहीं होता। अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और अगर मुकदमा सही स्वरूप लिया तो कांग्रेस के सभी 99 सांसदों की सदस्यता जाने वाली है। उन्होंने लालच दे करके, भ्रम पैदा करके देश के नागरिकों में कि हम तुमको अगर चुनाव जीत गए तो खटाखट 1,00,000 रुपया देंगे, अब पर्ची भरवाई है। तो सूप बोले तो बोले, चलनी बोले, जिसमें 72 छेद, क्या बात करते हैं। राजेंद्र राठौड़ से जम्मू में प्रचार क्यों नहीं करवा रही बीजेपी, ये आपकी गलतफहमी है और सूचना का अभाव है।
राजेंद्र राठौर जी एक व्यक्ति है, सातों विधानसभाओं में उन्हें जाना है, एक एक क्रम करके वो सब जगह जा रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता है। इतनी जल्दीबाजी मत करिए, सवाल चुनाव के बाद।